किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ, किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने BSL के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे, ये नियम बनाने के लिए भेजे थे। जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपके बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका BSL है, लेकिन हम अपना मेंबर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। इसीलिए अब हमारा 24 का ये भी लक्ष्य होगा। लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप नेता बनने की क्या जरूरत है, MP MLA बनने की क्या जरूरत है। तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बातों कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती। इसलिए हम लोग हाउस में जाएंगे, सारा चिट खोलेंगे, वन बाय वन चिट खोलेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कै गो अकाउंट है, उस जमीन की अब दर क्या है, सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने MLA चुना था, MP चुना था, या बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था। विधानसभा चुनाव नवंबर में होगा और विशेषकर धनबाद बोकारो जो गर्म क्षेत्र कहा जाता है कोयला के कारण, वहाँ आग लगेगा और आग का कारण होगा तारासनाथ का टाइगर। देखिए मेरा मानना है भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें विधायिका का रोल होता है, यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी उदासीन सोच रही है या फिर जो भी कारण कहें, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जितने भी कंपनी फैक्ट्री स्थापित होते हैं उनमें स्थानीय विधायक रहे, स्थानीय जो दल हैं उनके जो नेता रहे उनको काफ़ी मोटी रकम अदा की जाती है, तो ये कमजोरी उनकी हो सकती है। लेकिन अब हम लोग चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, अब हम लोग किसी के आश्रित होकर रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बार बार की है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग का मानना है कि चाहे विस्थापित की लड़ाई हो या फिर अन्य मुद्दों की लड़ाई हो या बार बार की लड़ाई होगी, चाहे जो भी परिणाम होगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति अगर चलता रहे तो आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं, मैं इसी आंदोलन की व्याख्या करती हूँ। बोकारो में फैशन का महा एग्जीबिशन ग्लैमर, द बिगेस्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, 6 और 7 जुलाई बोकारो में देश के कई बड़े शहर से एग्जीबिटर ला रहे हैं फैशन का भरपूर कलेक्शन, कपड़े, ज्वेलरी, फुटवेयर, राखी, होम डिकोर, होममेड नेचुरल प्रोडक्ट और भी बहुत कुछ। साथ ही एंट्री टिकट स्क्रैच कार्ड जिसमें जीते मोबाइल और अदर अट्रैक्टिव गिफ्ट। तो आए 6 और 7 जुलाई को होटल हंस रेजेंसी सेक्टर 1 बोकारो और करें फैशन को एक्सप्लोर। ये कहीं ना कहीं दर्द का आंदोलन था, यदि दर्द का आंदोलन नहीं होता तो 50 लड़के थे, आज 5 करोड़ तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। इसका मतलब सीधा है ये समय का आंदोलन था, नियति का आंदोलन था, ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। नियति समय चाहती थी कि दर्द लोगों के लिए कोई आवाज़ बने, एक आंदोलन हो और जितने शोषित वंचित लोग हैं वो एक जगह आएँ और इस बार आखिरी अपनी जो अंतिम निर्णायक लड़ाई उसे लड़ सके। बिहार तत्कालीन बिहार जब था तब DP महेश्वरी जो मुख्य सचिव थी, तो विस्थापितों के लिए फोर्थ ग्रेड का जो है आरक्षण विभाग उन्होंने किया था, जब से झारखंड विस्थापितों का वो अधिकार छीन गया, क्या मानते हैं आप लोगों ने लूटा गैरों में कहा दम था? हाँ बिल्कुल, आपका ये कथन सही है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, कुछ हमारे लोग भी दोषी हैं, दोषी चूँकि उन्होंने देखा निजी स्वार्थ। आज ऐसा नहीं कि BSL में आज जो हम लोग अप्रेंटिस के माध्यम से यहाँ इतने लोग आए हैं वैसा नहीं है, यहाँ हमें आने से पूर्व कई लोगों ने टेलीफोन किया कि आप इस मुद्दे पे मत आइए, अपने ही लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब धनराशि उनको दान दी जाती है या फिर उनको चंदा के रूप में दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा के रूप में जाता है, तो अपने लोग हैं। तो अब 23 सालों के झारखंड ने बहुत दुर्दशा को देखा है, अब अपने रहें या फिर कोई और रहे, अब हम लोग अपना शोषण नहीं सहेंगे, हमारी आवाज़ रहे, हमारे जो भी लड़ाकू हैं वो अब सामने आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिलहाल हम लोग भी विधिवत लड़ेंगे, एक चरणबद्ध होकर लड़ेंगे, एक सीरीज में लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज अगर बात करें ऐसा नहीं, बंगाल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों में होता है, आए दिन अडानी कंपनी चूँकि अभी हाईलाइटेड है बहुत राज्यों में जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस योजना को वापस करते हैं। और हमारे जो बंगाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी जी, वो भी टाटा नैनो ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसके खिलाफ आंदोलन करके आई थी। यानी सबसे प्रमुख कारण हमारे लोगों की एकजुटता का ना होना। मान के चले 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गाँव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी,
अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा, 42,000 उसका आधा, अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और एक घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। इन्हें एकजुटता की कमी रही है, तो इसीलिए आज हम लोग सदियों से दशकों से ठगे जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है लोगों की जो एकजुटता है अब जागेगी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हमारी ये जनरेशन है इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, हर तरह से शोषण को देखा। तो मेरा मानना है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता का ना होना, उसके बाद हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं केवल वोटर्स बन के, ऐसा नहीं है कि बोकारो में हमारे आज तक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, विशेषकर जो खाटी की बात करें, जो माटी की बात करें, हमारे आज तक सांसद नहीं रहे जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके BSL के सिंदरी FCI के दर्द को रख सके। हमेशा 1952 से लोग जो अन्य राज्यों के वे लोग चुन के गए, तो उन्हें क्या वास्ता होगा, हमारी ज़मीनें से क्या हमें लाभ मिलता था, हमारी ज़मीनों को छीन जाने का दर्द किसे है। तो इसीलिए हम लोग केवल वोट बन के रहें, भीड़ बन के रहें, उसे एक नेतृत्व में तब्दील नहीं कर पाएँ। जबकि मेरा मानना है अगर बोकारो विधानसभा की बात कही जाए जहाँ 3 लाख के आसपास अगर वोटर्स है, जिसे मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है, केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आंदोलन करने की नौबत नहीं आती, उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका था। तो हमें लगता है लोकसभा की बात करें जहाँ 18 से 20 लाख हमारी मतदान है, जिसमें हमको लगता है 12 से लगभग 15 लाख स्थानीय लोग वोटर के रूप में है, लेकिन आज तक अपना सांसद नहीं चुन पाते हैं। जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपका बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका BSL है, लेकिन हम अपना मेंबर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। देखिए आज हम जितना आपके सामने बात को रख रहे हैं, बेहतर बात रख रहे हैं, सुनने वाले भी बेहतर हैं और आप लोग भी बेहतर लोग हैं, लेकिन हमें एक हाउस चाहिए जहां हम रख सके, जहां बात की गरिमा हो, तो वहां हमारे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अब हमारा 24 का ये भी लक्ष्य होगा। लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब नेता बनने की क्या जरूरत है, MP MLA बनने की क्या जरूरत है। तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बातों कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती। इसलिए हम लोग हाउस में जाएंगे और जब जब वहाँ डिबेट होगा, जब जब हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, हम लोग कभी बोकारो BSL का बात रखेंगे, कभी FCI सिंदरी का, तो कभी पंचायत डैम का बात रखेंगे, तो कभी डालमिया का, तो कभी आपका DBC का बात रखेंगे। जयराम महतो और तमाम जो युवा हैं जो राजनीति का रण ही जानते हैं, नौसिखिए हैं, अभी भी नाक साफ करते दिखते हैं, इनको आपने ना मौका दिया। आप अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए, लोगों के दुख दर्द को हल करने के लिए अगर नियम बनाने की बात करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ, किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने BSL के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे, ये नियम बनाने के लिए भेजे थे। आज झारखंड के सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमने व्यापारी नहीं, हमने MLA चुना था, ये तो व्यापारी बन गए और आज हमें दोष देते हैं। आप सब के सब व्यापारी हैं, आपका सारा चिट खोलेंगे 24 में, सारा चिट खोलेंगे, 1 by 1 चिट खोलेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कै गो अकाउंट है, उस जमीन की अब दर क्या है, सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने MLA चुना था, MP चुना था, यह बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था। देखिए अगर जान रही तो मुकाम मिलेगी, जान नहीं रही तो माफ कीजिएगा, जान रही तो मुकाम मिलेगी, चाहे विधानसभा के भीतर से मिले या फिर कहीं और चढ़ के मिले, मिलेगी। अच्छा विधानसभा में कितना सीट पर आप दर्ज कर, बहुमत में लड़ेंगे, बहुमत में लड़ेंगे, और धनबाद और बोकारो में तो समय आग लगेगा, देखिएगा माहौल में आग लगेगा, क्योंकि चुनाव होता है नवंबर में, ठंडा ठंडा। आप तमाम मीडिया बंधु आप खुले देख सकते हैं, उस समय लोगों के बदन पे जैकेट नहीं होगा, मफलर नहीं होगा, उनके गरम कोई भी कपड़ा नहीं होगा। लोग विधानसभा चुनाव नवंबर में होगा और विशेषकर धनबाद बोकारो जो गर्म क्षेत्र कहा जाता है कोयला के कारण, वहाँ आग लगेगा और आग का कारण होगा तारासनाथ का टाइगर। जयराम महतो कहाँ की गद्दी पे बैठना पसंद करेंगे, नहीं हमें या फिर दिल्ली में, नहीं हमें आवाज़ बनना पसंद है, आवाज़ रखने के लिए दिल्ली जगह मिलती है तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, अगर विधानसभा में हम जगह मिलती है तो वहाँ भी जाना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर हमें लोगों की बातों को रखना, मुझे लगता है कि हम लोग के पास है बातें। इसके लिए उचित मंच क्या होगा, आप दिल्ली जाना चाहेंगे? हाँ दिल्ली भी, क्योंकि वहाँ सेंट्रल में लोग देखेंगे,
उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार आजाद भारत में एक झारखंड है जहां लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन्हें बताएंगे जादूगोड़ा की कहानी कि किस प्रकार यूरेनियम यहां खनन किया जाता है, 47% महिलाएं बच्चा जन्म नहीं दे पा रही है। पूरे भारत को, पूरे दुनिया को हम दर्द बताएंगे कि केंद्र में बैठे लोग बस चंद मुट्ठी भर लोगों को लोभ दिलाने के लिए, खनन करने के लिए किस प्रकार हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। उन्हें हम बताएंगे किस प्रकार बुढ़ाखाप में 3 बच्चा कैंसर से मारा जाता है, कंपनी का, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है उससे, हम पूरी दुनिया को बताएंगे, चीख चीख के बताएंगे। इसके लिए हमें सदन में जाना चाहिए। तो दिल्ली भी कोई बुरी जगह नहीं है, हम लोग वहां भी जाना पसंद करेंगे, और फिर रांची तो रखा है, वहां तो झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची